नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए नेता कई बार अजीबोगरीब वादे करते पाए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने वोटरों को लुभाने के मकसद से वादा किया है, यूपी में उनकी सरकार बनी तो एक बाइक पर 3 लोग आराम से जा सकेंगे और उनका चालान भी नहीं होगा। आपको बता दें कि राजभर इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। वहीं राजभर के इस वादे पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो राजभर ने कहा कि ट्रेन में 70 सीट होती है, 300 आदमी डिब्बे में बैठते हैं, फिर भी रेलगाड़ी का चालान नहीं होता है। 9 सवारी पर जीप पास होती है और 22 लोगों को लेकर जाती है, उस पर भी चालान नहीं होता। राजभर ने इसके साथ ही कहा, मोटरसाइकिल पर 2 सवारी पास है, अगर गलती से उस पर 3 लोग बैठ जाते हैं तो पुलिस उनका चालान कर देती है, ये चालान क्यों होता है? इसके साथ ही उन्होंने वादा दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने पर बाइक पर 3 सवारी फ्री होगी, कोई चालान नहीं कटेगा। राजभर ने इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि 10 मार्च के बाद गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। उन्होंने कहा कि महंगाई और नौकरी की उनकी मांग को लेकर समझौता नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दिया। राजभर ने इसके साथ ही कहा कि उन्होंने शोले फिल्म देखी थी, उसका डायलॉग जो डर गया वो मर गया, बस इसे ही देखने के बाद ही उन्होंने संघर्ष आरंभ किया। उन्होंने कहा 3 साल पहले कह दिया था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाएगा, जो सत्य साबित होने जा रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।